नमस्कार, शिल्पा गुप्ता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो बेसन का ढोकला तो आप लोग कई बार खाए होंगे, एक बार सूजी का ढोकला बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए एक कटोरा सूजी, एक कटोरा दही, चिली फ्लेक्स, 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच चीनी, मिर्च और अदरक बारीक काट लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, और 1 इनो का पैकेट ले लिए हैं। अब इसे एक बर्तन में हम सूजी डालेंगे, लगभग 300 ग्राम के लगभग हम सूजी डाले हैं, और 1 कटोरा दही इसमें हम डाल देंगे। खट्टी दही नहीं है ज़्यादा। चीनी डाल दिए, अदरक और मिर्च डाल दिए, नमक स्वादानुसार डाल दिए, तेल ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच के लगभग ही हम तेल डाले हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आपको जैसा तीखा पसंद है उस हिसाब से चिली फ्लेक्स डालिए, और इसे अब हम पानी डाल करके अच्छे से फेंट लेंगे बेटर को। बेटर देखिए इस टाइप का होना चाहिए। अब एक थाली में हम तेल ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद इस बेटर में हम इनो का पैकेट डालेंगे, क्योंकि इनो डालने के तुरंत बाद इसे हमें बनाना है। थोड़ा सा पानी डाल दिए एक्टिवेट करने के लिए, और इसे अच्छे से मिला लेंगे, और जल्दी ही मिला करके हमें इसे बनाना है। तो ये देखिए हो गया है, इस तरह का बेटर हमें चाहिए। अब इस थाली में हम सारे बेटर को डाल देंगे और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे, इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे, और एक स्टैंड डाल करके थाली को सेट कर देंगे, और इसे हाई फ्लेम पर हम 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। इसे हम ढक देंगे, और ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, हमारा ढोकला अच्छे से फूल चुका है। फिर भी हम इसे चेक कर लेंगे कि ये हुआ है या नहीं, तो एक चाकू डाल करके हम देखेंगे, अगर ये बीच में चिपक जाता तो नहीं हुआ है, ये हो चुका है, एक थोड़ा सा भी नहीं चिपका है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए पूरा ठंडा हो चुका है। अब चाकू से साइड से हम इस तरह से कर लेंगे, ठंडा होने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो एक थाली में हम इसे पलटेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा थपथपाएंगे, और ये देखिए आसानी से निकल जाता है। और ये देखिए हमारा सूजी का जालीदार ढोकला तैयार है, बहुत ही स्पंजी बना है ये। अब इसे हम चाकू से कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें छौंका लगाएंगे। तो छौंके के लिए हम 3-4 लाल मिर्च तोड़ के ले लिए हैं, आधा कटोरा राई ले लिए हैं, और थोड़ा सा सफ़ेद तिल ले लिए हैं। तेल को गर्म होने के लिए हम रख दिए हैं। सबसे पहले हम इसमें राई डालेंगे, उसके बाद लाल मिर्च भी डाल देंगे। ये जब दोनों थोड़ा सा जल जाए तब हम इसमें वाइट तिल डालेंगे, और इसे चम्मच से मिला लेंगे। इसे जलाना नहीं है तिल को, बस तुरंत ही डालने के थोड़ा देर बाद ही इसे हम, ये देखिए हो गया है। तो जल्दी से इसे हम सारे पे फैला देंगे, क्योंकि बर्तन गर्म रहता है, जितना टाइम रहेगा वो जल जाएगा और छोका। तो ये देखिए हमारा स्पंजी सूजी का ढोकला तैयार है। ये देखिए कितना स्पंजी बना है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, तो या आप इसे सर्व कीजिए टोमेटो सॉस के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।